जनपद कानपुर देहात में योगी सरकार का शिक्षा के प्रति बढ़ावा देने का असर दिखाई देने लगा है। जिले में तकनीकी शिक्षा के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान और गरीब बालिकाओं के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा आश्रम पद्धति विद्यालय जिले के शैक्षिक परिदृश्य को आगे बढ़ा रहे हैं। जिलाधिकारी नेहा जैन ने बताया कि जनपद में आगामी शैक्षिक सत्र से जिले को 3 नए शिक्षण संस्थानों की सौगात मिलेगी। नए सत्र से इनमें दाखिले भी शुरू हो जाएंगे। तीनों संस्थान जिले के ग्रामीण इलाकों में हैं। ये संस्थान ग्रामीण बालक बालिकाओं को उनके घर के निकटतम स्थान पर शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, जिससे उन्हें परेशानियों से निजात मिलेगी। जनपद के तहसील डेरापुर में बन रहे आईटीआई कॉलेज के आसपास के छात्रों को अभी अकबरपुर आना पड़ता था, जिससे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। कॉलेज के बनने से सभी लोगों में खुशी है। जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का विशेष योगदान है, जिसके मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूंगी। अगर हम लोग बात करें कानपुर देहात की, तो एक इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ पे एक नया आईटीआई खोला जा रहा है, आईटीआई डेरापुर में खोला जा रहा है। और साथ ही भूमिपुर में जो हमारा एग्जिस्टिंग आईटीआई है, उसका उच्चीकरण, उसका जो अपग्रेडेशन है, मेंटेनेंस है, वो चल रहा है। आपको जानकर ये खुशी होगी कि जो सरकार है वो 6 से 12 की एजुकेशन के लिए भी बहुत सजग है। इसके तहत जो समाज कल्याण विभाग के आश्रम टाइप स्कूल्स खुलते हैं, ATS जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, सरवन खेड़ा में एक बहुत अच्छा ATS निर्माणाधीन है। और हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि अगले शैक्षिक वर्ष से उसमें क्लासेस संचालित हो। साथ ही GIC एक जो झिझक में बनके तैयार है, उसकी कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त करी गई है, प्राप्त करने के लिए पत्राचार किया गया है, शीघ्र ही वो हमें प्राप्त हो जाएगी। तो अगले वर्ष में हम लोग GIC झिझक भी देखेंगे कि वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। साथ ही एक GIC रनिया है जो कि निर्माणाधीन है, जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पैसा आ चुका है और वो भी हम लोग जल्द ही कम्प्लीट होता देखेंगे, जिसको हम लोग निरंतर अनुश्रवण कर रहे हैं।